हेलो दोस्तों, नमस्ते। लाइव टॉक दुबई चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं आपका दोस्त सौरभ। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये अपडेट है अबू धाबी एंट्री रूल के हवाले से। मतलब अबू धाबी ने फिर से अपना एंट्री रूल रिवाइज किया है। जो नया मतलब अबू धाबी का जो प्रवेश का नियम बदल हो रहा है और ये रूल चेंज हो रहा है 1 फरवरी 2021 से। 1 फरवरी मंडे से ये नया रूल लागू हो रहा है। तो दोस्तों, पहले जब आप अबू धाबी एंट्री करते थे तो एंट्री करने से पहले आपको एक PCR टेस्ट और DPI टेस्ट ये दोनों में से एक करना होता था। इसका जब नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल जाता था उसके बाद आप क्या आते हैं 48 आवर्स होता था, मतलब 48 आवर्स के अंदर आपको अबू धाबी एंट्री करना होता था। तो अभी जो नया रूल है दोस्तों, अगर आप RT-PCR टेस्ट करके आएंगे अबू धाबी में, तो जब आपको RT-PCR टेस्ट का रिजल्ट मिल जाएगा उसके बाद आप क्या आते हैं 48 आवर्स ही होंगे पहले की तरह। लेकिन आप अगर DPI करने के बाद जो नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल जाएगा उसका जो वैलिडिटी ओनली 24 आवर्स है अभी, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको अबू धाबी एंट्री करना है अगर आप DPI टेस्ट करके आते हैं तो। और ये DPI टेस्ट दोस्तों आप एट ए टाइम मतलब दो बार यूज़ नहीं कर सकते। मतलब आप DPI टेस्ट करके जब अबू धाबी एंट्री करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको अबू धाबी एंट्री करना है। जब करने के बाद अब फिर अगर आप अबू धाबी से बाहर हो जाते हैं तो उसके बाद वो जो पहले जी आपने DPI टेस्ट किया था उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, फिर से आपको एक DPI टेस्ट करना होगा। और दोस्तों, जब आप अबू धाबी एंट्री करेंगे चाहे PCR टेस्ट करके आप आ सकते हैं, आप DPI टेस्ट करके आ सकते हैं। जब आप एंट्री करेंगे तो एंट्री हो जाने के बाद अगर अबू धाबी में आप 48 घंटे से ज़्यादा आप यहाँ पर रहते हैं तो Day 3 में आपको एक RT-PCR टेस्ट करना है। अगर आप यहाँ पर 7 दिन और 7 दिन से ज़्यादा रहते हैं तो Day 7 में एक RT-PCR टेस्ट करना है। मतलब Day 3 में और Day 7 में आपको RT-PCR टेस्ट करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर फाइन आ जाएगा। पहले जो इसका रूल था Day 4 और Day 8 में RT-PCR टेस्ट मस्ट था। मतलब अगर यहाँ पर आप 4 दिन और 4 दिन से ज़्यादा रहते थे तो Day 4 में एक RT-PCR टेस्ट करना होता था। अगर आप 8 दिन और 8 दिन से ज़्यादा रहते थे तो Day 8 में एक RT-PCR टेस्ट करना होता था। लेकिन अभी जो नया रूल है Day 3 और Day 7 में आपको RT-PCR टेस्ट करना है। तो ये जो नया रूल है दोस्तों, 1 फरवरी मंडे से ये नया रूल लागू हो जाएगा। तो अभी जब 1 फरवरी से आप अबू धाबी एंट्री करेंगे तो उस टाइम से आपको ये नया रूल फॉलो करना है। बस यही कुछ अपडेट थी दोस्तों, मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता हो सके, क्योंकि आपकी एक शेयर से कई लोगों को हेल्प हो सकता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बाय बाय, फिर हम मिलेंगे कोई नए वीडियो नया अपडेट लेकर। ऐसे हमारे चैनल के साथ जुड़े ऐसे दुबई रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।